सो गाइस दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है कैसे आप काइनमास्टर के अंदर वीडियो का कलर चेंज कर सकते हो, वीडियो का बैकग्राउंड कलर आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम चलते हैं काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग ऐप की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग ऐप में। तो काइनमास्टर पर आने के बाद सबसे पहले क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां से 9:16 या अपने वीडियो के हिसाब से कोई भी एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लेना। तो यहां से 9:16 को चूज कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन आप यहां से अपना वीडियो ऐड कर लेंगे जिस वीडियो का आप कलर चेंज करना चाहते हो। तो मैं यहां से इस फोल्डर को चूज करता हूँ और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरा जो वीडियो वो कहाँ पर है जिसका मैं कलर चेंज करने वाला हूँ। तो हमारा वीडियो यहाँ पर ही मिल जाएगा, लाइक ये रहा हमारा वीडियो, आप देख सकते हो वीडियो को ऐड कर लिया। उसके बाद आपको इस कॉर्नर पे ये जो क्रॉस आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आप अपने वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। सो वीडियो हमारा कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, इस वीडियो का कलर चेंज करना है, ठीक है। सो आप यहाँ से वीडियो प्ले करके देख सकते हो। तो वीडियो का कलर चेंज करना है, इसके लिए हमें ये जो लेयर का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमें इफेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम होगा कलर चेंजर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये यहाँ पर आएगा कलर चेंजर इफेक्ट। तो सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं वीडियो का। तो कलर चेंजर इफेक्ट को सबसे पहले आपको यहाँ पर आप ऐड कर लेना है। सो उसके बाद इसे आपको अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो अभी क्या करना है, इसे पूरी स्क्रीन पर आपको फिल कर लेना है ये जो इफेक्ट आपने ऐड किया कलर चेंजर इफेक्ट, कुछ इस तरीके से आपको पूरी स्क्रीन पर फिल करना है लाइक दिस। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली कलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ग्रीन कलर को आपको पिक कर लेना है, ठीक है। सो ग्रीन कलर को मैंने पिक कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो कलर ऑफसेट दिखाई दे रहा है इसका जो वैल्यू आपको अराउंड 80% कर लेना है, ठीक है। सो मैं 80% कर लेता हूँ या इतना रखूँगा, ठीक है, ओके। उसके बाद मिलता है ह्यू नीचे आपको। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली ह्यू का जो अमाउंट है उसको चेंज कर लेना है। सो ह्यू का अमाउंट आप जैसे चेंज करेंगे आपकी वीडियो का बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। सो आप देख सकते हो किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है। इसका अमाउंट हम थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, लाइक 85 कर लेते हैं, ओके 85। और अभी आप देख सकते हो किस तरीके से वीडियो का कलर चेंज हो रहा है। सो इसका अमाउंट आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख लेना और यहाँ पर जैसे कि मुझे कुछ इस टाइप का कलर रखना है अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पर, तो मैं कलर ऑफसेट का वैल्यू रखा हूँ 80% और जो ह्यू का अमाउंट है ह्यू का अमाउंट रखा हूँ 110%, ठीक है। उसके बाद सिंपली कर देना है डन। सो आपने देख लिया कि किस तरीके से आपको वीडियो का कलर चेंज करना है। सिंपली आपको ह्यू का जो अमाउंट है उसको चेंज करना है तो आपकी वीडियो का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से आप इजीली चेंज कर सकते हो। उसके बाद ऊपर में कर देना है डन। सो डन करने के बाद अभी आप अपनी वीडियो को प्ले करके देख सकते हो आपकी पूरी वीडियो का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ये कलर चेंजर इफेक्ट को ऐड कर सकते हो अपने काइनमास्टर पर, ये वाला इफेक्ट। तो इसके लिए आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पर ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सीधा आ जाना है कलर पर। सो यहाँ पर मिलता है कलर ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिल जाएगा कलर चेंजर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसको डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, आपको मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, आपके काइनमास्टर के अंदर ये कलर इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सबसे स्टार्टिंग पर ही आपको मिलेगा क्योंकि मेरे यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारा इफेक्ट मैंने ऐड किया था, इसलिए ये नीचे के साइड में मिल रहा है, लेकिन आपके काइनमास्टर पर ये बिल्कुल ऊपर के साइड में मिल जाएगा। अभी आपको अपनी वीडियो को सेव करना है, तो इसके लिए आपको ये आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से रेजोल्यूशन आपको चूज करना है 1080p, फ्रेम पर सेकेंड FPS आपको चूज करना है 30, सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।